नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको शक्तिमान फिल्म के बारे में लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। दोस्तों शक्तिमान फिल्म की घोषणा मुकेश खन्ना ने की थी कई कई वर्षों एक वर्ष से ज्यादा का समय शायद हो गया उन्होंने जब शक्तिमान फिल्म को बनाने की उन्होंने घोषणा की थी। सोनी पिक्चर्स फिल्म को प्रोड्यूस करेगा और दोस्तों उसके बाद में कयास लगाने जाने लगे थे कि शक्तिमान का टाइटल रोल कौन प्ले करेगा। आप जानते हैं कि दूरदर्शन पर एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम आता था जिसका नाम था शक्तिमान, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। मुकेश खन्ना इसमें शक्तिमान बनते साथ ही गंगाधर के डबल रोल में थे, तो काफी इंटरेस्टिंग ये प्रोग्राम था। तो उसी शक्तिमान को अब बड़े पर्दे पर एक सुपर हीरो के तौर पर पेश करने की तैयारी की जा रही है। तो जब कई दिनों तक फिल्म के बारे में कोई न्यूज नहीं आई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि फिल्म को बंद कर दिया गया, डिब्बा बंद हो गई, फिल्म नहीं बनेगी। लेकिन मुकेश खन्ना ने हाल ही अपने चैनल पे खुद ने ये एक उनका जो YouTube चैनल है उस पर खुद उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है, एक तरीके से पूरी तरह से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि शक्तिमान फिल्म बनेगी। फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम जारी है और फिल्म की जल्दी ही अनाउंसमेंट हो जाएगी और शक्तिमान का रोल कौन प्ले करेगा इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बीच में खबरें आई थी कि फिल्म को डायरेक्ट बासिल जोसफ करेंगे और इसमें रणवीर सिंह शक्तिमान का टाइटल रोल प्ले करेंगे, लेकिन मुकेश खन्ना ने अभी किसी भी खबर को कंफर्म नहीं किया था। पहले खबर तो ये भी आई थी कि ओम राउत इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन मुकेश खन्ना के अनुसार अभी तक किसी भी डायरेक्टर का या किसी भी एक्टर का नाम फाइनल नहीं किया गया है कि कौन इसका टाइटल रोल प्ले करेगा और बाकी अदर स्टार कास्ट क्या होगी। अभी तक किसी को भी फाइनल नहीं किया गया है, सभी से बातचीत चल रही है, जल्दी ही लेकिन वे इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। मुकेश खन्ना ने यह भी कहा कि फिल्म को एक बहुत बड़े बजट पर बहुत बड़े लार्ज स्केल पर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिल्म का बजट 200 से 300 करोड़ रुपए का बजट होगा। ट्रायलॉजी फिल्म होगी, तीन पार्ट में बनाई जाएगी और एक पार्ट का बजट है वो 200 से 300 करोड़ का होने वाला है। इसका मतलब बहुत बड़ी ये फिल्म बनने वाली है। अब देखते हैं, ये जरूर जानने की इच्छा सबकी रहेगी कि इसमें टाइटल रोल शक्तिमान का रोल कौन प्ले करेगा। दोस्तों आप बताइएगा कि आपके हिसाब से शक्तिमान का रोल किस एक्टर को प्ले करना चाहिए, कौन सा एक्टर इस रोल के साथ न्याय कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से मुकेश खन्ना ने रोल प्ले किया था वो दर्शकों के दिमाग में आज भी ताजा है। मुकेश खन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि वे इस फिल्म में कोई रोल नहीं करेंगे और वे दोबारा शक्तिमान बनकर के फिल्म में नहीं आने वाले हैं। बताइएगा आपको आपके हिसाब से कौन सा एक्टर इस रोल के लिए सबसे बेहतर रहेगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।